करीना बना रही है 12 और पूरा फुला फुला के बना रही है और चावल का भी रोटी बनाएगी। ये देखिए ऐसा पूरा नरम लग रहा है, खा के देखते हैं। टेस्टी बना है दोस्तों, नरम नरम सा। सब रेडी हो चुका है। सो हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप लोगों को फिर से एक नए ब्लॉग में। सो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज मौसम तो बहुत ख़राब है, बाहर बाहर मतलब धुंध धुंध सा हो गया है। और क्या बोलते हैं, कौन सा गांव में मतलब त्यौहार आज था करीना जी? चौंट पूजा बोलते थे, सॉरी चौंट पूजा बोलते हैं। वो आज गांव में त्यौहार था, बहुत सारे आदमी पूजा करते हैं गांव के लोग। पता नहीं, हमको तो इतना पता भी नहीं है, बाहर में परदेश में काम करता था तो इतना पता नहीं लगता था। रोज़ काम ही करते थे तो काम में ही ध्यान रहता था। तो दोस्तों, मैं छोटा था उस टाइम, सब कुछ गांव में ही गुजारा किया था, लेकिन बड़ा होने तो के बाद मैं परदेश में रहता था, लेकिन छोटा था इतना याद नहीं है क्या क्या त्यौहार गांव में मनाते थे। सो वो त्यौहार था दोस्तों, वहां का भी करीना गई थी पूजा सुनने के लिए, तो वहां का भी वीडियो कुछ बनाई है, वो भी देखेंगे। लेकिन अभी तो करीना मस्त है रोटी सब बनाने में, देखिए। हेलो दोस्तों, दोस्तों आज ठंडा ठंडा मौसम है तो आज गरम गरम कुछ बनाने वाले हैं और खाएंगे। तो देखिए इधर बनाए और इधर छिलका। तो गांव में कुछ त्योहार भी है, और गांव में त्योहार है तो सारे घर में रोटी सब बनता है, कोई पक पकवान ऐसे बनाते हैं दोस्तों। तो और दोस्तों देखिए, इधर मौसम भी ऐसा किया हुआ है, देख सकते हैं पूरा धुंध धुंध है, मतलब कि ऐसा नजारा है। और दोस्तों, बाबू और ममता तो पता नहीं बाहर गए होंगे, अभी घर में रोटी सब खाए और बाहर निकले हैं खेलने के लिए। तो ये देखिए छिलका रोटी दोस्तों, और उधर क्या बोलते हैं, चावल का पेस्ट भी है, छिलका रोटी भी बहुत बढ़िया लग रहा है। और ये सब हम लोग केटिंग वाला चैनल में खाएंगे दोस्तों। बाबू हेलो बेटे, हेलो। तो ममता सब तो चीजी खरीद के ला रहे हैं, इधर रोटी सब खाए फिर भी। सो देखिए दोस्तों, प्रसाद सब दिए हैं, मेरा बड़े पापा सब के घर में उधर पूजा था तो करीना भी गई थी। ये सब भी छिलका रोटी दिए हैं, ये दूसरा रोटी है, ये है इधर तिल लाडू बोलते हैं, और ये सब प्रसाद में है। तो दोस्तों, यही कुछ वीडियो था जो आज का बनाया हुआ वीडियो था। सुबह बना रही थी करीना रोटी सब, और तो करीना रात को गई थी मतलब वहाँ पूजा सुनने के लिए, तो वो भी थोड़ा बहुत बना के लाई है करीना, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। और दोस्तों, करीना छोड़ने गई है अपनी दीदी को बस तक चढ़ाने के लिए, और ममता तो अभी स्कूल चल गई है। देखिए मैं काम किया कल, इधर प्लान सब पूरा कर दिया हूँ, अब काल से इसको बनाने स्टार्ट करेंगे दोस्तों। अभी तो गड्ढा खोदना ही है, तो सब प्लान हो चुका है मतलब। तो देखिए ऐसा सब प्लान कर दिया हूँ कल, और गड्ढा सब भी खुदाई किए। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कैसा पूजा सब किए हैं, मैं अभी नहीं देखा हूँ इतना, अभी देखेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, रात को तो पंडित सब भी आए थे, वहाँ का वीडियो अच्छा नहीं बना था, तो यह सवेरे भी इतना अच्छा सा वीडियो नहीं आया है। तो उधर घर में अंधेरा है, इतना लाइट कोई खास नहीं है, इसलिए अच्छा से नहीं दिख रहा है। सवेरे वाला कार्यक्रम सब कर रहे हैं, वो मेरे बड़े पापा का बड़ी लड़की है, और इधर है बड़ी ताई, बड़ी मम्मी, और बीच में है मेरा छोटा भाई का घरवाली। सो दोस्तों, हम लोग छोटा छोटा क्लिप देखेंगे, इतना
नहीं तो बहुत वीडियो लंबा बन जाएगा। वैसा तो 2-3 घंटा जैसा पूजा सब करते हैं इतना लंबा तो नहीं बन पाएगा, इसलिए हम लोग छोटा छोटा क्लिप देखेंगे और वैसा ही बनाया हुआ है वीडियो। जय गणेश वैसा तो दोस्तों बहुत लंबा तक कीर्तन सब किए थे, लेकिन इतना वीडियो में नहीं बना पाया था और ये छोटा सा क्लिप आप लोगों को दिखा रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, हम लोग गणेश पूजा कर रहे हैं। बाय बाय दोस्तों। बाय बाय दोस्तों। सो दोस्तों आज का ही कुछ वीडियो था। गणेश जी की पूजा कर रहे थे बोल रहे थे तो करीना जो कि बोले थे कि आप भी पूजा कीजिएगा बोल के, लेकिन बच्चे हम लोग का छोटे हैं इसलिए उपवास करने में थोड़ा दिक्कत होता है और इसलिए मैं नहीं गया दोस्तों। बच्चे सब हम लोग का सवेरे सोते हुए थे और उठे नहीं थे इसलिए मैं नहीं गया था। रात को तो बहुत रात तक पूजा किए थे इसलिए करीना अकेले गई थी रात को, तो बच्चे सब सो गए थे उसको हमको देखना पड़ा। सो दोस्तों यही कुछ आज का वीडियो था, मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश किया। सो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों पहले बार हम लोग का चैनल में आए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। सो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।